बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र के गांव केडली की एक नाबालिग से षड्यंत्र रचकर 7 दिन तक लगातार सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज और घिनौना मामला सामने आया है। पीड़िता की कलयुगी मां और भाई ने घिनौना षड्यंत्र रचकर घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। पीड़िता की कहीं भी सुनवाई नहीं होने पर आखिरकार बीकानेर एसपी से आवेदन प्रस्तुत कर इंसाफ की गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर नोखा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नोखा थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार पीड़िता के साथ मां चैनी देवी और भाई भगवाना राम की शह पर नवरतन जाखड़, सुरजा राम राड़, प्रेमाराम पुत्र ताजाराम, बिरमाराम पुत्र पूर्णाराम और आदुराम पुत्र गणेशाराम 7 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। इनके चंगुल से निकलकर पीड़िता नोखा थाने पहुंचकर आप बीती सुनाई और मामला दर्ज करने की गुहार भी लगाई, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। नोखा थाने के पुलिसकर्मी श्रवण राम पर पीड़िता ने बातचीत के बहाने अलग कमरे में ले जाकर प्राइवेट अंग से छेड़खानी कर लज्जा भंग करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता पर मां और भाई ने पिता पर चल रहे दुष्कर्म के मामले में पीड़िता द्वारा दिए गए बयान बदलने का दबाव बनाया गया। पीड़िता द्वारा बात नहीं मानने पर उसके मंगेतर से मारपीट कर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा कराने की भी बात सामने आई है। आखिरकार जिला एसपी के आदेश के अनुसार नोखा थाने में पोस्को एक्ट, गैंगरेप सहित संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच डूंगरपुर व्रताधिकारी धर्माराम, जिनके पास नोखा व्रत का अतिरिक्त प्रभार है, उनको ये पूरी जांच सौंपी गई है।